जय माता दी मित्रों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव के बारे में बात करेंगे जो हमारी कुंडली में सबसे अच्छा भाव माना जाता है। 11वां भाव मतलब 11th हाउस इन द होरोस्कोप। इन जनरल हम लोग जो जो भाव से देखते हैं, जैसे अपने शारीरिक अंग हो गए, अपने रिलेशंस हो गए, अपने जनरल आइटम्स हो गए, उसको हम लोग कैसे देखते हैं या क्या क्या देखते हैं। यदि हम रिलेशंस की बात करें तो इससे हम लोग अपने मित्र अपने दोस्त को देखते हैं, साथ में ये एसोसिएट्स जिसके साथ भी हम काम करते हैं या जो सहयोग करते हैं उसे भी हम लोग 11वें भाव से देखते हैं, और साथ में ये हमारे अग्रज हमारे बड़े भाई हमारे बड़े बहन। जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली लक्ष्मण जी की कुंडली है, लग्न लक्ष्मण जी बता रहा है, यदि आप इनके 11वें देखेंगे इनके बड़े भाई भरत हो गए। यदि आप भरत से 11वें देखते हैं तो वो श्री रामचंद्र जी बताते हैं जो 9वें स्थान हो गए। उसी प्रकार यदि हम लोग अपने सारे अंगों के बारे में बात करें, उससे हम लोग अपने घुटनों या अपने टांगों को देखते हैं, या घुटनों से नीचे जो भी है अंग उसे देखते हैं। टांगे दोनों टांगे आती है, दोनों टांगे हम लोग 11वें भाव से नहीं देखते हैं, जो सीधी टांगे हैं उसे हम लोग 11वें भाव से देखते हैं, और जो दाएं हाथ की टांगे हैं उसे हम लोग तीसरे घर से देखते हैं। उसी तरह यदि हम लोग हाथों की बात करें, जो आपको बाएं हाथ की है उसे 11वें से देखते हैं, जो सीधी हाथ है उसे हम लोग तीसरे घर से देखते हैं। यदि इन जनरल हम लोग बात करें, ये हमारे लाभ हमारी इच्छा पूर्ति को बताता है। आज के जमाने में सभी इंसान सभी व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, आजकल तो इच्छाओं का खेल है, और हमारे कुंडली में 11वां भाव का बहुत ही इंपॉर्टेंस है लाभ के लिए, कि सभी को पैसे की जरूरत है, सभी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो यदि 11वां भाव हमारे कुंडली में यदि हमारे किसी ग्रह में आता है तो वो हमें लाभ देता, हमें पैसा देता है। यदि ये अच्छे घरों के साथ अच्छे भाव के साथ आता है तब भी वो हमें पैसा देगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मेष लगन की कुंडली है, तो इसमें 10वां भाव और 11वें भाव का स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। यदि शनि 10वें भाव में बैठते हैं तो वो क्या बताएंगे? 10 और 11। 10 मतलब नेम फेम स्टेटस और उसका लाभ, मतलब उसका बढ़ना, नेम फेम स्टेटस को और बढ़ाता है। उसी तरह दूसरा लगन लेते हैं, मान लीजिए कि ये कन्या लगन की कुंडली है, और कन्या लगन में सूर्य जो है उनकी राशि जो बैठी हुई है वो 11वें में, अब खुद जाके वो तीसरे घर में बैठते हैं तो सूर्य क्या बताएंगे? 3 और 11। 3 मतलब अनुमति लेना, किसी भी प्रकार से किसी से मिलना, तो ये हमें अनुमति दिलाएगा। जैसे मान ले हम वीजा के लिए अप्लाई किए, हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए, हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए, तो हमें उस दशा में वीजा पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि मिल जाए। उसी प्रकार समझते हैं ये कुंभ लगन की राशि है, तो छठे घर का स्वामी कौन हो गए? वो हो गए हमारे चंद्र देवता, क्योंकि वो कर्क राशि के घर हो गया। और चंद्रमा यदि 11वें बैठते हैं तो हमें क्या बताएंगे? 6 और 11। 6 11 क्या होता है आपको कि जॉब का घर दिखाता है, वो हमारे मेहनत का घर दिखाता है। 6 11 आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, आपको जॉब में बढ़ोतरी होगी, अच्छी जॉब मिलेगी आपको, या आप जितने मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको तरक्की होगी और सफलता आप पाओगे, साथ में आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिशंस भी देते हैं तो चंद्रमा की दशा में वो आपको कॉम्पिटिशंस को भी सक्सेस करवा सकता है। साथ में चंद्रमा आपके सरकारी जॉब को भी बताता है, क्योंकि हमारा जो सरकारी जॉब हम लोग जो देखते हैं हम लोग सूर्य और चंद्र से देखते हैं। उसी प्रकार कुंभ लगन की कुंडली में यदि 5वें और 8वें का स्वामी बुध है, क्योंकि वो 5वें और 8वें के जो घर है उनके जो राशि आती है वो बुध की आती है, मिथुन और कन्या। यदि बुध जाके 11वें घर में बैठ जाते हैं तो हमें बुध बताएंगे 5 8 11। इससे हम विभिन्न भिन्न चीज देख सकते हैं। 5 और 8 हमारा क्या होता है? लव अफेयर को बताता है, लव अफेयर, फिजिकल लव अफेयर,
जो उसको बढ़ोतरी करता है। साथ में हम 5/11 मान के चले तो हमारे निश्चल प्रेम को बताता है। साथ में आपको 8/11 को यदि आप जोड़ते हो तो 8/11 हमारे लेगेसी, हमारे इंश्योरेंस मनी, हमारे प्रोविडेंट फंड की मनी, हमारी लॉटरी को भी बताता है। इसी प्रकार हम लोग जातक के घटना परिस्थिति के अनुसार उसका फलादेश कर सकते हैं। इसी प्रकार 11वां किसी भी घर के साथ आए तो उसका बढ़ोतरी ही करता है, किसी का हानि नहीं करता वो कभी भी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये 11वां घर हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है। ये हमारे शादी की इच्छा पूर्ति को भी बढ़ाता है, ये हमारे बच्चे की इच्छा पूर्ति को भी बढ़ाता है। ये शादी कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 से भी 11वां घर इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे का पैदा होना उसे भी हम 2, 5, 10 से देखते हैं। दूसरा घर फैमिली हो गया, 5वां संतान हो गया, 11वां बढ़ोतरी इच्छा पूर्ति हो गया। तो इस तरह 11वां घर हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए। और आप अपनी अपनी कुंडलियों में 11वां घर को देखिए कि वो किसके साथ है, वो हमेशा आपको उस समय शुभ फल ही देगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहा हूँ। साथ में आप लाइक और शेयर भी अवश्य करें। जय माता दी।